इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की पूरी तरह से तैयारी की थी और यह तैयारी खासी फिल्मी थी। कारोबारियों की रेड को कारोबारियों को इस रेड की भनक भी ना लग पाए, इसके लिए अपराधियों ने अपनी गाड़ी में बकायदा शादी की तरह जैसे होता है राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर चिपका दिए थे। कई गाड़ियों में दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर भी लगाए गए थे। 260 अधिकारी बाराती बनकर 120 गाड़ियों में कारोबारी के फार्म हाउस पर पहुंचे। उसके बाद गुलाबी नोटों के बंडल ही बंडल यहां से निकलने लगे। आप देखिए, जहां देखो वहां नोटों की बारिश होती नजर आई। खास बात यह रही कि अब अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कोड क्या रखा था, कोड भी यही था, दुल्हन हम ले जाएंगे। नब्बे करोड़ की अकूत दौलत का खुलासा। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना। जालना में इनकम टैक्स ने डाली फिल्मी अंदाज में रेड। 260 बाराती, 120 गाड़ियां, गाड़ियों पर अंजलि वेड्स राहुल के स्टिकर, आईटी रेड का कोड दुल्हन हम ले जाएंगे। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की। लेकिन इनकम टैक्स की टीम को इसके लिए बाकायदा फिल्म की तरह स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी, जिसमें आयकर विभाग के अफसर बराती बनकर आए और 390 करोड़ की अकूत दौलत का खुलासा कर दिया। एक मुखबिर से मिली खबर के बाद इनकम टैक्स की टीम ने किसी फिल्म की तरह किरदार चुने। प्लानिंग ऐसी कि किसी को भनक तक ना लगे, रेड की खबर लीक ना हो, इस वजह से टीम में नासिक, पुणे, ठाणे और मुंबई के 260 अधिकारियों को शामिल किया गया। सभी ने अपनी गाड़ियों पर दूल्हे और दुल्हन के नाम के स्टिकर लगाए, जिससे ऐसा लगे कि आयकर विभाग के अफसर किसी शादी में जा रहे हों। सभी गाड़ियों की पहचान के लिए एक कोड वर्ड भी लगाया गया। कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे। इस छापेमारी के बाद जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया है उनमें औरंगाबाद का एक नामी बिल्डर और बिजनेसमैन भी शामिल है। यहां से मिले 58 करोड़ कैश को गिनने में आयकर विभाग की टीम को 13 घंटे का समय लगा। नोटों को गिनने के लिए 12 मशीनों को मंगाया गया था। सूत्रों के मुताबिक नासिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन डिविजन के तहत औरंगाबाद की टीम को मिली जानकारी के अनुसार जालना में चार बड़े स्टील मिलों ने कारोबार से कई करोड़ रुपए की सरप्लस आय की और उसका अवैध लेन देन किया। इसके बाद इन कारोबारियों पर आयकर विभाग की टीम ने शिकंजा कसा। छापेमारी में इन चार स्टील कारोबारियों में से तीन के पास से नकदी के साथ सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट, सोने की ईंट, सिक्के, हीरे भी मिले हैं। 32 किलो सोने के गहनों की कीमत बाजार भाव के हिसाब से 16 करोड़ रुपए है। इसके साथ कई फ्लैट, ऑफिस, अलग अलग जगहों पर जमीन, खेत, बंगले से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। इनकम टैक्स की टीम के मुताबिक अभी काले धन के कोबेरों के खजाने से चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही कई बिल्डर और नेता भी इसकी जद में आ सकते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।